वगदड़ संगीत वसा शो आप सभी के लिए एक और शो लेकर के तो फाइनली वी आर बैक अगेन विद दिस ब्रांड न्यू एंड स्टैंड अप वीडियो आई वुड से मैन। तो जैसे कि आप सब ने कहा था कि यू हैव रिएक्टेड टू द पॉलिटिक्स इन इंडिया पार्ट टू एंड पार्ट वन आपने चेकआउट नहीं किया था, या मैन यू आर फाइनली चेकिंग आउट दिस शिट फॉर श्योर। और सब भी थोड़े दिन पहले हमने गाने को भी कवर किया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक बाय मुनावर फारूकी, साज भट्ट जी का गाना था ना शायद वो, या साज भट्ट जी का गाना था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक। एंड जब मैंने देखा था, जब मैं वीडियो कवर कर रहा था अब शायद कल या परसों, इट वॉज ऑन ट्रेंडिंग #3 या 2 पे शायद वो ट्रेंडिंग भी कर रहा था। दैट्स गुड टू सी मैन, दैट्स गुड टू सी, अप्रिशिएटेड फॉर दैट एफर्ट मैन। तो यार देयर इज अ न्यू वीडियो, आई वॉन्ट इट्स अ न्यू डिस 2.5 years अगो वीडियो, पॉलिटिक्स इन इंडिया इंस्टाग्राम एंड साइन बोर्ड्स स्टैंड अप वीडियो बाय मुनावर फारूकी। हमने पार्ट टू इसको कवर करके रखा, अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो श्योरली रिकमेंड के जाकर पार्ट टू आप देख सकते हो, बट पार्ट वन के बाद देखना, तब शायद आपको ज़्यादा रेफरेंस ना समझ में आएगा, अगर ऐसा कुछ है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वो तो हमें देखने के बाद पता चलने वाला। तो या लेट्स हॉप एंड स्ट्रेट इनटू द वीडियो, इट्स मुनावर फारूकी, लेट्स गो। चाहे पन्ने और आप भी मुनावर के फैंस हो तो जस्ट मेक श्योर करने के फिर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे हमेशा लात रहता हूँ। और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक तो जरूर से कर देना, एंड या लेट्स एंजॉय मैन, लेट्स एंजॉय। And the video starts in 3, 2, 1, let's go। मैंने अभी थोड़े देर टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तू कमल का फूल तू खिलता जरूर, पर कीचड़ में दबा तू चढ़ तक, कब तक करेगा तू कर्तव्य किसी। या सो आई टेल यू अबाउट माय सेल्फ फर्स्ट, माय नेम इज मुनावर इकबाल फारूकी, आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात, सर्वाइव्ड इन गुजरात। यू नो गुजरात, गुजरात इज फेमस फॉर इट्स फेस्टिवल्स, वी हैव नवरात्रि, वी हैव उत्तरायण, वी हैव रायट्स, ओके। या बट आई लव गुजरात, आई टू लव गुजरात, आई वाज देयर इन 2002। आप लोगों को नाइट मेयर आता, समझे इसका मतलब? आपको नाइट मेयर आता लाइक कैसा आता है, लाइक कोई आपका पीछा कर रहा है, कहीं से गिर रहे हो, ऐसे नाइट मेयर आता है, आप डर के उठ जाते हो। मेरा नाइट मेयर है अमिताभ बच्चन, वो मेरे कान में आके बोलता है कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में, एंड मेरी कुछ मेमोरीज भी बचपन की, नवरात्रि गरबा खेलने जाता था लड़की के साथ, उसकी फ्रेंड आके उसको बोलती थी ये लोग के साथ नहीं खेलने का, ये लोग चार शादी करते। एंड उसी वक्त स्टेज से फाल्गुनी का गाना बजता था, एक राजानी सौ सौ रानी जमकुड़ी रे जमकुड़ी। आई एम बेटर नाउ, यू थिंकिंग मैं पॉलिटिक्स पे जोक करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। मुझे नॉलेज कम है, मुझे नहीं पता था जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। क्यों? नहीं नहीं, नॉलेज प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। नहीं क्या, तो मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, जवाहरलाल नेहरू बोला ना उसने, रुको 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 रुको, आई डोंट वांट टू मिस दिस, क्योंकि लोगों ने हंसा है उस चीज पे। प्राइम मिनिस्टर थे, मुझे लगता था वो हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर थे। ब्रो नहीं नहीं, नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था, इज दैट अ रेफरेंस टू, ओ फॉरेन, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, कमेंट से मत कुछ बोलना, मैं समझ गया, ओके लेट्स मूव ऑन। आई गॉट दैट, नहीं नहीं नॉलेज, और कभी मैं कुछ कर भी देता हूँ तो वो बैकफायर हो जाता है मेरे पे। मैंने अभी थोड़े टाइम पहले ट्वीट किया था कि मुझे लगता है बोलो जुबां केसरी बीजेपी का इलेक्शन स्लोगन होना चाहिए, ये तो सुना ना मैंने, क्योंकि विमल हो या बीजेपी देश के लिए दोनों ही कैंसर है। तो मुझे एक कमेंट आया, उसने लिखा हाय, मैंने लिखा हेलो, इज लाइक जाहिल पाकिस्तानी मादर चोत। उसने पहले हाय क्यों बोला? अटेंशन के लिए। ये क्या तरीका है किसी से ग्रीटिंग करने का, क्या मस्त आदमी है बट लंड। मैंने उसको लिखा कि भाई क्या हो गया, इज लाइक तुम जाहिल हो, पढ़े लिखे नहीं हो, किसी के बारे में बोलने से पहले दो बार सोच लिया करो, अगर पढ़ा लिखा होता तो पता होता विमल से कैंसर नहीं होता है। Okay. Yeah.
स्टार्टिंग में से कुछ हैव यू गाइस नोटिस इन इंडिया द मोस्ट ऑफ मेडिकल स्टोर गिव सैनिटरी पैड रैप्ड इन अ न्यूज़पेपर या 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 वेरी कॉमन या दैट मेक्स सेंस बिकॉज़ दैट्स व्हाट न्यूज़पेपर डू इन इंडिया हाइडिंग रियलिटी ओके लेट्स मूव ऑन आप लोगों के साथ बचपन में कभी हुआ है कि हमारे घर के बड़े हमें मना करते कि इसके साथ मत खेलना हां बहुत दूर रहना हुआ मैं ही था वो मेरे साथ बहुत हुआ बिकॉज़ वो बच्चा मैं था Like I was an asshole, but घर वालों को नहीं पता घर वालों खुद को राष्ट्रीय प्रोडक्शन समझते उनको पता नहीं कौन सा अनुराग कश्यप पैदा किया Like first है फारूकी नहीं first है फैंटम प्रोडक्शन है और इसका रीजन था घर वालों की नजर में सबका काम करना सबकी बात मानना लाइक अ राम और घर के बाहर किसी को भी मार देना कूट देना दादागिरी करना लाइक अ रावण नहीं बजरंग दल लाइक जान से नहीं मारता था लाइक कूट देता था कोई भी लड़ने आ जाता घर पे कैसे मारा मेरे बच्चे को पूरा आंख लाल कर दिया आई वाज लाइक आंटी मारा उससे प्रॉब्लम है कलर पसंद नहीं आया ओके घर पे गेस्ट आते थे घर वाले बोलते थे गाना गा के सुनाओ मैं भीगे होठ तेरे गा के सुनाता चाची आती थी गॉसिप करने मूड बना के जाती थी ओके लड़के क्रिएटिव भी नहीं है सोशल मीडिया पे लड़कियां काफी क्रिएटिव है लड़के फोटो डालते उसके नीचे कैप्शन लिखते हैं मैकडोनल्ड I haven't done this shit. क्या तू हगने गया था डिलीवरी खाने क्या लड़कियां काफी क्रिएटिव है मेरी कजिन घर पे उसका प्राइम काम है पानी की बोतलें भरने का टिपिकल इंडियन उसके कैप्शन पता है कैसे रहते I just love the sound of pounding water where there is a waves or a waterfall मेरी पुप्पी बोलती है ना आग लगे तुम्हारे फोन को लगते यू जस्ट लीट माय सोल आई विल सेट इट ऑन फायर Hashtag out of your league. एक बार रिमोट से सेल्फी ले रही है आंटी बोले नीच रख दे वो रिमोट कैशन दाल इनोसेंट एज फक ये ट्रेंड था पहले आप लोगों को पता है ये सब यूज करते हैं टायर्ड एज फक हंग्री एज फक मुझे समझ में नहीं आता लाइक ऐसे ही लगो अंग्रेज लोग लगा सकते हैं बिकॉज उनके पास हिंदी नहीं है ट्रांसलेट करके सुनने के लिए ओके मेक सेंस हमारे पास है लाइक क्यूट का मतलब हिंदी में होता है चंचल बट यू लुक क्यूट ठीक है हाइपोथेटिकली सी यू लुक क्यूट ओके तू अपनी फोटो के नीचे हिंदी में लिखेगा चौदह ऐसा चंचल इफ यू आर हंग्री यू राइट भूखा चौदह ट्रांसलेट कर दिया ओके दैट्स रॉन्ग गॉट इट ही बेसिकली व्हिच इज माय फेवरेट यू नो Single as fuck, which is fucking not possible. Okay. मैं कामसूत्र का बुक खोल के confused हूँ अकेला चौदह वाला position कौन सा है? गुलजार लिखा है क्या ये कामसूत्र? Okay. ये सब होता है. और motivation quotes भी आते हैं Instagram. हाँ. Motivation quotes. मैंने एक motivation quotes पढ़ा. उसपे लिखा हुआ था Don't just dream, walk for it. Yeah, मैंने देखा था. पीछे एक अंग्रेज बंदा है. सिगार हाथ में, दो Lamborghini खड़ी हुई है. Okay. तू मुझे मोटिवेट नहीं कर रहा तू मुझे डिप्रेस कर रहा है तूने दो लैम्बोर्गिनी क्यों खरीदी मैं नहीं समझा सेम कलर की आई डिडंट गेट दैट जोक मैं इंडियन हूँ मेरे घर में टूथब्रश नहीं है सेम कलर के ओके मेक सेंस एंड कभी मैंने मोटिवेट होकर सर खरीद ली लैम्बोर्गिनी ठीक है तो उसके दरवाजा ऐसे खुलते और हम लोग मुंबई में पार्किंग में गांड घिस कैसे निकलते मोटिवेट अ इंडियन विद अ Lamborghini हमारे यहाँ पे Lamborghini का गुरु रंधावा ये इस्तेमाल करता है खिड़की से बाहर निकलता पता करो कीड़े पिंड दिया मोलेस्टर और लिखा हुआ है डोंट जस्ट ड्रीम सपने की बात मुझसे कर रहा है मैं डोंगरी पे रहता हूँ हम लोग एक कमरे में 10 लोग सोते हैं सही में एक दूसरे के सपने में ट्रैवल करते हैं इतना पास सोते हम लोग एक बार मैं अपने भाई के सपने में इसलिए गांडू तू मेरे सपने में क्या कर रहा है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था Okay. I was like, भाई मैं पॉर्न देख रहा था He's like, जाके डैडी के पास सो मुझे अपने बाप के सपने में nice. मुझे अपनी काम वाली को नंगा नहीं देखना है okay. Okay.
एंड मुझे लगता है हम लोग इंडिया में साइन बोर्ड को सीरियसली नहीं लेते. साइन बोर्ड लाइक आई टेल यू, मेरी ऑफिस के नीचे एक पारसी बुड्ढे की शॉप है. लाइक पारसी बोला तो बुड्ढा बोलने की जरूरत नहीं थी. See, I'm not making fun of old age people or Parsi लोग, ठीक है? But बुड्ढे थोड़े तो annoying होते हैं, yeah? एक सब ऐसे नहीं होते, सिर्फ वही जो जिंदा है. Are you serious? आपको पता है किसके बारे में था? तो वो बोर्ड लगा उसमें शॉप बंद थी, ठीक है? तो बाजू वाले को सब लोग ने पूछ के परेशान कर दिया कि क्यों बंद है, क्यों बंद है, क्यों बंद है. तो वो परेशान हो गया, तो उसने क्या किया, एक बोर्ड लिया. बोर्ड पे लिखा, दुकान 10 दिन के लिए बंद है, आजू बाजू ना पूछे. अब वो लोग पढ़ के 10 दिन पढ़ के उसके पास जाके पूछे, 10 दिन के लिए क्यों बंद है. नेक्स्ट जाके बोल रहे, भैया सुनो ना, उस पे 9 करो ना. एंड आई थिंक कुछ साइन बोर्ड का डायरेक्शन चेंज कर दो, मीनिंग चेंज हो जाता है. मैंने वर्सोवा मेट्रो पे पढ़ा, वेक अप मुंबई एंड स्टैंड अप फॉर वुमेन सेफ्टी. आई वाज लाइक नाइस, दिस इज गुड. बट अगर यही दिल्ली मेट्रो पे लिखा हुआ होगा कि वेक अप दिल्ली, आज लाइक नहीं. अगर दिल्ली जाग रहा है तो वुमेन सेफ नहीं है. ओके, दैट्स अ स्टेटमेंट. वुमेन सेफ नहीं है दिल्ली. मैंने न्यूज में पढ़ा, अ 32-year-old दिल्ली गाय किल्ड हिज वाइफ विद द हेल्प ऑफ हिज गर्लफ्रेंड. ओह, दैट्स टेरिबल, राइट? दैट्स हार्ट ब्रेकिंग कि दिल्ली वाले के पास दो दो बंदियां हैं. दैट वाज लेम शिट. हार्ट ब्रेकिंग फॉर यू गाइस, मेरे में 4 अलाउड. And मैंने एक साइन बोर्ड देखा लोअर परेल में, उस पे लिखा हुआ है अवॉइड मिसयूजिंग ऑफ वाटर. मिसयूजिंग ऑफ वाटर, ओके. वेस्ट होता है ना, मिसयूज कौन कर रहे हैं? गवर्नमेंट. 2017 में किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑल ओवर इंडिया से. उनको लगा अरेंज मैरिज है, उन्होंने गवर्नमेंट को 15 डिमांड लिख के दी. गवर्नमेंट इज लाइक, तो इन लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया. जैसे ही दिल्ली पहुंचे वहां पे, पता है उनको रोकने के लिए आर्मी ने क्या किया? वाटर कैनन लेके उनके मुंह पे पानी मारा. सरप्राइज मदरफकर. किसानों को पता नहीं इससे भागना था, दैलक पानी. कुछ किसान पीछे नाच रहे, घन घन. नाइस मैन. एंड फिर उन लोग बोले, सर आपने टियर गैस मारने बोला था. तो मारो ना सर, पहले से ही रो रहे. ओह, ये सब चल रहा है. और मिसयूज ऑफ वाटर क्या होता है? मिसयूज वेस्ट होता है. क्या वे? पानी से बम बनते मुझे नहीं पता था. एक पानी के बिना भी कैसे बनते मुझे नहीं पता. ओके, दैट्स अ स्टेटमेंट. आई एम अंडर ट्रेनिंग. See this like making bomb, it's not easy. I think it's as difficult as mandir banana. No, I tell you, like educated Hindus don't want mandir bana, right? Agree. Uneducated Muslim don't know bomb kaise bana. Cause it's science. It takes so many things like ammonium nitrate, fuel oil, pyrotechnical filers, hexamethylene, black powder, oxidizer, detonator, brass cable, 1.7 EZ batteries. I still don't know how to make it, okay? Told you na, under training. But the bad part about this joke, when I was done writing this joke in my book, uske kuch din ke baad, wo book mere dad ko mila. Okay. Gaya. And now I don't know how to explain this show. Because उस पे subject में मैं नहीं लिखा था how to make bomb. Dad ने call करके घर पे बुलाया, मेरा गांड चला. Like जैसे ही मैं घर पे गया, बहुत गुस्से में था. उन्होंने book मेरे मुंह पे फेंक के मारा. He's like, कौन सिखा रहा है बकवास तुझे? इसमें main item missing है. Oh my. That main item was political support. ओके, जाते जाते ही गेव अप एन स्टेटमेंट. ओके, दैट वाज डीप शिट मैन. कि आपने मेन पार्ट भूल के, दैट वाज दैट पॉलिटिकल सपोर्ट. ओह, दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस मैन. या मैन, ब्रो ये नहीं सुधरेगा, ब्रो ये नहीं सुधरेगा. ही वोंट बी लाइक, ही इज लाइक, ब्रो मेरे को नहीं जमता ये सब चीज. नाइस मैन, दिस अ फनी वीडियो. एंड मैं ये चीज बोलता हूँ, टेक इट एज अ डार्क ह्यूमर. बाहर में ऐसा बहुत चीज कॉमन है, बाहर में ये सब बहुत कॉमन है. बाहर में डार्क ह्यूमर्स एंड ऑल, इट्स वे टू कॉमन मैन. आई हैव सीन दोज कॉमेडियंस एक्चुअली मेक दीज जोक्स एंड ऑल द शिट. अपने इंडिया में आई नो हल्का सा वो हो जाता है, बट गुड टू सी मैन की पीपल एक्चुअली एंजॉइंग दिस वीडियोज मैन. इट हैज अराउंड 1.1 crore व्यूज. दैट सेज ऑल्सो दैट्स एन स्टेटमेंट कि पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग डार्क ह्यूमर्स. क्योंकि मैंने तो यार बहुत लोगों से कवर किया वीडियोज. ऐसा नहीं कि मैंने मुनावर के ऐसे कॉमेडियंस देखे नहीं है मैन. लाइक ऐसे कॉमेडी वीडियोज मैंने देखे नहीं है. आई हैव सीन आउट अ लॉट ऑफ वीडियोज.
मैंने शायद इसके क्लिप्स उन्होंने बहुत बार देखे, इसलिए मेरे को कुछ कुछ पॉइंट्स अभी तक पते भी थे। तो यार मैंने ब्यूटीफुल वीडियो एंड आई ऑलवेज अप्रिशिएटेड दिस गाय फॉर दिस सच ह्यूमर्स, क्योंकि बहुत कम ऐसे कॉमेडियंस हैं, बहुत कम क्या, शायद एक या दो ही ऐसे कॉमेडियंस हैं जो कि ऐसे डार्क ह्यूमर जोक्स मारते हैं। अब तो शायद भले होंगे होगा, बट जब से मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत कम थे, लाइक एक या दो होंगे, कुणाल एंड ऑल का ये सब था, बाकी कोई नहीं करता था यार ये सब, ऑनेस्टली स्पीकिंग यार। दैट वाज मुनावर्स वीडियो। कमेंट्स में सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं एक वीडियो में, तब ले गुड बाय।